तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भंवर टुडे न्यूज़ और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहां पर सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी है, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के टाइम टेबल को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो क्या है बड़ी खुशखबरी, टाइम टेबल कब जारी होगा, सारी न्यूज़ इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आरबीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग सारी अपडेट चैनल पर सबसे पहले मिलती रहती है। 4 मई से शुरू होगी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, यानी सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा है 4 मई से शुरू। शेड्यूल का इंतजार, शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल का कर रहे विद्यार्थी इंतजार, टाइम टेबल जल्द होगा जारी। यहां पर आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 4 मई से ली जाने वाली 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाओं का टाइम टेबल जल्द जारी किया जाएगा। करीब 31 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षा में बैठेंगे। 31 लाख से करीब इतने ज़्यादा विद्यार्थी है वो सीबीएसई की परीक्षा 2021 में बैठेंगे। यहाँ पर सीबीएसई की परीक्षा 4 मई से होकर जून महीने तक चलेगी, जबकि हर बार इस अवधि में सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करता था। मई में सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करता था, बल्कि अब की बार सीबीएसई की परीक्षा ही मई में स्टार्ट होगी। इसका कारण है कोविड-19 के कारण इस बार परीक्षा में करीब 2 महीने की देरी से शुरू हो रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 4 मई से शुरू करने की घोषणा कर चुका है और सीबीएसई का टाइम टेबल तैयारी में जुट गया है। सीबीएसई का टाइम टेबल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और टाइम टेबल जल्द जारी करेगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड का टाइम टेबल है जल्द जारी करेगा, वो भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। बट यहाँ पर देख सकते गौरतलब है कि इस बार सीबीएसई की परीक्षाओं में 60% पाठ्यक्रम पर ही पेपर बनेंगे। पेपर है वो 60% पाठ्यक्रम यानी कि 60% सिलेबस के आधार पर ही सीबीएसई बोर्ड के पेपर बनेंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड की संख्या कितनी है विद्यार्थियों की। तो पिछले साल की परीक्षाओं में 31 लाख से अधिक छात्र रजिस्टर्ड हुए थे। इनमें कक्षा 12वीं के 12,03,595 और 10वीं के लिए 18,85,885 स्टूडेंट पंजीकृत किए गए थे। माना जा रहा है इस बार ये संख्या बढ़ गई है। 2021 में सीबीएसई की परीक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और सीबीएसई का परिणाम परीक्षा होने के बाद लेट जारी होगा, थोड़ा देरी से जारी होगा। सीबीएसई का बोर्ड का टाइम टेबल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे अपलोड होता है मैं आपको वीडियो सहित दे दूंगा, आपको टाइम टेबल भी। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है। वीडियो आपको चलिए वीडियो को लाइक कर देना है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।